Welcome to our YouTube channel Miracle Pharma. दोस्तों हमारे एक व्यूवर्स हैं प्रकाश जी। प्रकाश जी का कहना है कि क्या सर डायरिया कोई सीरियस डिजीज हो सकती है? क्या सर डायरेक्ट टैबलेट आती है कोई जो डायरिया को ठीक किया जा सकता है जिससे? तो समझते हैं दोस्तों इसी वीडियो में। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि डायरिया एक आम भाषा में बोला जाने वाला शब्द है जो अंग्रेजी भाषा में बहुत ही कॉमन है डायरिया, लेकिन इसकी जो है कई तरह की कैटेगरियाँ हैं। पहले डॉक्टर को ये समझना होता है कि ये डायरिया किस कारण से हुआ है, उसके पॉजिटिव एजेंट को खोजना होता है या उसके कारणों का पता करना होता है कि क्या ये डिहाइड्रेशन से हुआ है डायरिया इसको जो, या फिर किसी और दवाई के रिएक्शन से हुआ है, या इसने कुछ ऐसा खा लिया है। तो ये कई कारण होते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि जैसे कारण होते हैं वैसे ही डॉक्टर उसको निवारण के लिए दवाई देता है। दोस्तों पहली चीज़ ये है कि अगर किसी ने भी कुछ ऐसा खा लिया जो डाइजेस्ट नहीं कर पाया तो उससे भी डायरिया हो सकता है और बहुत सीवियर स्टेज तक पहुंच सकता है। उसको ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि किस फूड से उसको या जो खाना खाया है उसने वो किस तरह का खाना हुआ खाया है जिस वजह से उसको दस्त लगे हैं। दूसरा पैरामीटर्स देखते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कोई पॉइजनिंग हुई है इसको, ऐसा तो नहीं है इसकी बॉडी में जो इसने फूड खाया है उसमें कुछ जहर था, या फिर ऐसा है जो उसमें टॉक्सिसिटी पैदा कर दी उसने, या इसको ऐसा तो नहीं कि उस फूड से वो एलर्जिक था। जैसे कुछ लोगों को बैगन से एलर्जी होती है तो ये भी बहुत सीवियर डायरिया तक पहुँचा सकता है, लेकिन हर किसी को नहीं होता। 100-200 में से एक आध पेशेंट ऐसा होता है जिसको ऐसा कुछ खाने से डायरिया हो सकता है। कुछ ऐसे भी फैक्टर होते हैं जैसे कि आपने स्टेट चेंज किया या लोकेशन चेंज की कोई, कुल मिला के आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गए तो उस जगह का खान पान या फिर उसकी जलवायु से भी इसका जो है कारण हो सकता है। एक कुछ इन्वायरमेंट चेंजिंग की कंडीशन होती है, जैसे कोई प्लेन में रहने वाला कोई बंदा था और वो हिल स्टेशन पहुंचा, एक दो घंटे के अंदर अंदर उसका इतना प्लेस चेंज हुआ कि एटीट्यूड बहुत ज़्यादा चेंज हो गया उसका समुद्री तल से, तो उसका भी जो है उस सिचुएशन में डायरिया हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि किसी पेशेंट को जो है एक नॉर्मल बंदा था और उसको जो है ऊंचाई से डर लगता है, तो अगर वो किसी ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग पर पहुंच गया और उसने जैसे ही नीचे देखा तो उसको भी डायरिया हो सकता है। क्यों? उसके डर से डायरिया हो सकता है। ये मैं वे फैक्ट बता रहा हूँ आपको जो हकीकत में होते हैं, कोई डॉक्टर आपको ऐसा बताने वाला नहीं है जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। या फिर अगर किसी को चक्कर आता है किसी को, तो और उसको चक्कर आता है और वो किसी हिंडोले वगैरह में किसी मेले में गया और बैठना नहीं था उसको भी, लेकिन साथ ही उसके या जो दोस्त थे उसके फ्रेंड्स के साथ वो उसमें जो है घूमने के लिए बैठ गया, उसे जो है तुरंत ही उल्टी होने शुरू हो गई और बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो गया और ये हो गया डायरिया। तो बहुत सारे ऐसे कोज हैं। कुछ ऐसी होती हैं दवाई, दूसरी बात कर लेते हैं हम दवाइयों से। अगर किसी को मान लिया एमोक्सिसिलिन या सिफोलोस्पोरिन या पेनिसिलिन ग्रुप से या और भी बहुत से पैनम ग्रुप से, तो एमिनोग्लाइकोसाइड से भी बहुत सारे मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको दवाई की टॉक्सिसिटी हो गई या ओवरडोज हो गया तो उससे भी डायरिया हो सकता है। कुछ लोगों का ऐसा होता है अगर उन्होंने कुछ ऐसा पानी पी लिया कंटामिनेटेड या कंटामिनेटेड फूड खा लिया, बासी खाना खा लिया, उससे भी डायरिया हो सकता है। कुछ लोगों की ऐसी कहानी होती है कि जैसे उनको मैंने देखा है, बहुत सारे अस्थमा के पेशेंट देखे हैं मैंने जिनको एकदम से जो है पसीना आता है और वो बॉडी उनकी ठंडी पड़ने लगती है और डायरिया होना शुरू हो जाता है। जैसे डॉक्टर दवाई डायरिया की लगाता है अस्थमा की,
उसके बाद पता चला कि उसको सिफालोस्पोरिन से या एमोक्सिसिलिन से फिर से टॉक्सिसिटी थी, और उसने जो है डॉक्टर क्या देगा, यही तो देगा जो है मैं हूँ, कोई आप हो, कोई भी हो, कि पहले फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये होती है कि इतनी टेस्ट वेस्ट थोड़ी कराएगा बंदा सामने जो है उसको हैंडल करने के लिए, जो सिचुएशन है उसके लिए कोई दवाई तो देगा। तो नॉर्मली यही दवाई दी जाती है, नोवापाइन वगैरह इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो उससे और सीवियर स्टेज पर डायरिया पहुंच गया। लेकिन आप अपने मेथड से अगर काम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं जिस मेथड से काम करता हूं तो मैं वो शेयर करूं आपसे बात, तो मैं पहले ये देखता हूं कि पेशेंट की सिचुएशन क्या है, उसकी बैक हिस्ट्री पता करता हूं कि किस दिक्कत से, किस क्या इसने कुछ खाया था, क्या किसी से डरा है या किसी ऊंचाई से गिरा है, मतलब ऊंचाई से इसने देखा है कुछ को जो है, पानी की लहर होती है, पानी की लहरों से भी या पानी के चलने से जो घूमता है पानी, राउंड लेता है कहीं कहीं, कुछ ऐसी जगह होती हैं जैसे कि कोई ब्रिज हुआ, उसके नीचे जहां ब्रिज बना हुआ होता है तो उनसे पानी टकराता है, तो वो घुमेर कहते हैं उसे आम भाषा में, या फिर ऐसी कोई स्थिति हो जिससे कि पेशेंट जो है बहुत किसी सदमे की स्थिति में पहुँच गया हो, तो उससे भी उसको डायरिया हो सकता है। अब समझ लेते हैं इसे ट्रीटमेंट की बात, अगर किसी को किसी दवाई से डायरिया हुआ है तो उसकी टॉक्सिसिटी के हिसाब से उसके जो है सेंसिटिविटी टेस्ट करने होते हैं, और सेंसिटिविटी टेस्ट ना कर सके तो उसको जो है हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन दिए जा सकते हैं बॉडी वेट के हिसाब से, एक अडल्ट पेशेंट के लिए एक इंजेक्शन काफ़ी होता है। और उसके बाद उसको अगर किसी फूड से हुआ है तो उसको लावाज वगैरह किया जाता है, अगर ऐसा ना हो तो उल्टी हो सके तो उल्टी करा दी जाती है, और तब उसको रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को। और उसके बाद उसको डायरेक्टली या तो एंजाइम देना होता है, एंजाइम की यूनिन एंजाइम वगैरह की टैबलेट आती हैं, तो उससे भी जो है इसको ठीक किया जा सकता है, या ओरली ऐसा कोई फूड दिया जाता है जिससे उसकी डिहाइड्रेशन कंट्रोल हो सके, अगर डिहाइड्रेशन की वजह से हुआ है RL वगैरह NS वगैरह की बोतल लगाई जा सकती हैं। अगर किसी और सीवियर स्टेज की बात करें तो अगर ऐसा है कि पेशेंट जो है रिकवर करने में समय ले रहा हो तो उसके लिए फिर इंजेक्टेबल पर आना ही पड़ता है, तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे कि कुछ पेशेंटों को अगर आप इन सब से हटके अगर बात करें तो बीमारी है जैसे कोलेरा, हैजा की बीमारी है, विब्रो कोलेरा नाम से एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया वायरस होता है जो जिसके कारण ये रोग होता है, तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती हैं। एक बार स्पेसिफिक आप ये नहीं कह सकते कि इससे हुआ है या इससे हुआ है, ये तो डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से हैंडल करता है कि इसको क्या दवाई लगानी है और इसको क्या हुआ है। नॉर्मली बहुत सारे इलेक्ट्रॉल पाउडर दे दिया जाता है या ORS का घोल दे दिया जाता है, तो इस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है। जैसा कि हमारे व्यूअर्स ने कहा था, तो उनकी डिमांडेबल ये वीडियो है, तो उन्होंने कहा था डायरेक्ट टैबलेट को, तो जी दोस्तों डायरेक्ट टैबलेट ही आती है, हिमालय की डायरेक्ट टैबलेट आती है, मैं आपको पिक्चर दिखा दूँ तो अगर ये फोकस कर पा रहा हो कैमरा, तो डायरेक्ट आती है टैबलेट, इसमें 30 टैबलेट होती हैं और लगभग 70 रुपये के आसपास है इस समय प्राइस है इसका, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये उन डायरिया के लिए नहीं होती है, अगर किसी इमरजेंसी कंडीशन के लिए डायरिया है तो उसमें ये वर्क नहीं करती है, अदरवाइज आप अगर किसी लंबे टाइम से उसको बार बार ऐसी लूज मोशन की शिकायत हो रही है कि बार बार 8 से 10 दिन के बाद फिर से उसको दस्त आने शुरू हो जाते हैं, तो डायरेक्ट बहुत अच्छा काम करती है, और मैं काफ़ी पेशेंटों को इसको दे चुका हूँ। अगर किसी को ट्रैवलर डायरिया की शिकायत है तो उसको भी इसको डायरेक्ट को यूज़ किया जा सकता है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन इसको आप इमरजेंसी कंडीशन में यूज नहीं कर सकते, इमरजेंसी कंडीशन के लिए आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही बेटर है और वो ही देना ही चाहिए। लेकिन अगर आप एक प्रैक्टिशनर हैं तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, अगर कोई पेशेंट ऐसा है आपका जो उसको बार बार शिकायत हो रही है ऐसी कि आए दिन उसको लूज मोशन होते रहते हैं तो उसको डायरिया नहीं बोल सकते, तो उसमें ये काम करती है, क्योंकि इसमें बेल पत्थर वगैरह की बहुत सारी और जड़ी बूटी इसमें मिलाई जाती हैं, जिस कई सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो उसके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करते हैं। ये केवल ऐसे वर्क करता है जैसे कोई प्री और प्रोबायोटिक काम करते हैं। पहले मैं भी अगर कोई पेशेंट आता है क्लिनिक पर तो
मैं जो हूँ उसको प्री और प्रीबायोटिक, प्रो प्रीबायोटिक कैप्सूल और टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर उससे उसको रिलीफ नहीं मिल पाता है और तो उसको फिर आईवी फ्लूड अगर उसकी ज़रूरत होती है डिहाइड्रेशन की, वो हम समझ जाते हैं देख के। या अगर आपको नॉर्मली बात करूँ तो मैं, अगर किसी को ऐसे ही चेक करना है तो पहली बात तो आंखों की पुतली सिकुड़ जाती है, और दूसरी बात ये जो है स्किन जो है, अगर आप उसको छू कर देखो, अगर स्किन ऐसे दबाने से एकदम छूट रही है, वापस जा रही है अपनी जगह, तो ठीक है, डिहाइड्रेशन नहीं है पेशेंट को। अगर वो चिपक के काफ़ी टाइम के बाद धीरे धीरे स्किन अगर नीचे जा रही है अपनी जगह पर, तो समझ लो उसको डिहाइड्रेशन है। तो आपको उसको आईवी रूट से आपको जो है उसमें फ्लूड चढ़ाना होता है, आरएल या एनएस, डीएनएस, डी5। वो उसकी पेशेंट की जो हिस्ट्री रही होती है, बैक हिस्ट्री, उसके हिसाब से अगर ऐसा नहीं गया, उसको शुगर थी पेशेंट को और आपने डेस्कटॉप चढ़ा दिया 10% या 5% चढ़ा दिया आपने या 20%, तो ऐसा नहीं होता। पहले उसको शुगर का टेस्ट कर लेना चाहिए। 500-600 रुपये की मशीन आती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। ब्लड टेस्ट आपको ब्लड से ही कर लेना चाहिए मामूली, जब इमरजेंसी स्टेज है तो। उसके बाद उसको आरएल ड्रिप लगाई जा सकती है या एनएस लगाई जाती है, उसके हिसाब से उसका शुगर लॉस तो नहीं हो रहा। उसको इलेक्ट्राल या ORS पाउडर, चीनी नमक का घोल दे सकते हैं उसको, और पानी उसको जो देना होता है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि पानी मत दो और ज़्यादा दस्ता रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारी बॉडी का एक मेकनिज़म है कि डिहाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए बॉडी ऐसा कुछ करती है, तो पानी उसे बार बार पिला देना चाहिए, पानी पिलाते रहना चाहिए। और अगर बॉडी पानी निकाल भी रही है शरीर से बाहर, तो अगर पानी उसको जाता रहेगा तो कम से कम ऐसे सीवियर स्टेज में नहीं पहुंचेगा पेशेंट। और हो सके तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर अपनी समझ से और किसी अच्छे डिग्री होल्डर डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर स्थिति अच्छी नहीं होती है तो। क्योंकि इसमें ऐसा काम है, जैसे गाँव के जो छोटे डॉक्टर हैं, मैं उनको डॉक्टर ही बोलता हूँ, कुछ लोग उसे बहुत से अलग अलग शब्दों में बात करते हैं, झोला छाप वगैरह कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो भी डॉक्टर हैं, वो भी प्रैक्टिस किए हुए हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ है कि एक आध घंटे के अंदर भी आराम रिलीफ नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी, तो आपको तुरंत ही किसी अच्छे डॉक्टर के पास रेफर करना चाहिए या लेके जाना चाहिए। क्योंकि मैंने कुछ पेशेंट ऐसे देखे हैं जिनकी इतनी इतनी हालत सीरियस हो जाती है, जो कि फिर डॉक्टर भी ट्रीटमेंट करने से बहुत से मना कर देते हैं कि अब इसमें, क्योंकि होता क्या है कि जैसे कि हम बॉडी का फ्लूड डाउन होना शुरू होता है, तो बहुत सी स्टेज में बीपी इतना डाउन हो जाता है, तो फिर उसको आईवी फ्लूड भी हम चढ़ा नहीं पाते हैं। क्यों कि अगर किसी वजह से अगर किसी ड्रग ने या फ्लूड ने अगर उसको रिएक्शन करा, तो फिर कैसे, वो तो खुद ही कोमा में है, तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी होती है ठीक करने की। तो इसलिए बहुत ही सीरियस हो सकती है ये चीज़ें। तो अगर नॉर्मल किसी को है तो आप दे सकते हैं, डायरेक्ट टैबलेट को आप 21 दिन से ज़्यादा यूज ना करें। क्या डोज होती है, अगर एक अडल्ट पेशेंट है तो 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम दे सकते हैं, गुनगुने पानी से या नॉर्मल पानी के साथ। और बिल्कुल तला भुना नहीं खाना चाहिए जब इसका टैबलेट का यूज करें, और कोई भी इसके साथ और कॉम्बिनेशन में कोई दवाई नहीं देनी चाहिए। अगर आप एक कॉमन मैन हैं तो आपको बिल्कुल भी ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। और आप अगर एक प्रैक्टिशनर हैं तो या मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों जानकारी डायरेक्ट टैबलेट के बारे में, और मैंने आपको बताया बहुत इजी वे में कि डायरिया कैसे होता है और क्या इसके इसके लक्षण होते हैं और किन कारणों को देखकर डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल को विजिट करते रहें। थैंक यू। Subscribe our channel for latest medical information and press the bell icon for more video notifications.